पीओपी और फेविकोल का पेस्ट लगाने के बाद इसको 3-4 घंटे में सूखने के लिए छोड़ना है, जब तक कि पूरा हार्ड ना हो जाए। आप अगर आपको पीओपी नहीं मिल रहा तो आपके पास अगर मार्बल पाउडर है तो उसको भी आप कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं उसका। तो मार्बल पाउडर और क्या कहते हैं फेविकोल, ये दो चीज़, या तो पीओपी और फेविकोल, आप ये दोनों का पेस्ट बना के इस पर लगा सकते हैं। चलिए अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कलरिंग स्टार्ट करने के पहले इस पर मैंने टेक्सचर वाइट किया है। अगर आपके पास टेक्सचर वाइट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट वाइट कलर यूज़ करने के बाद आप इसमें थोड़ी शेडिंग देंगे पिंक से, और मैंने इसको इतना ऑलमोस्ट कर चुका है। और उसके बाद से इस जहाँ जहाँ पे कट्स हैं वहाँ वहाँ पे आप हल्का रेड कलर या ब्राउन कलर आप लेके उसके कट्स दिखा सकते हैं। इसकी आउटलाइन हमें दिखानी पड़ेगी तो उसका लुक और अच्छा आएगा। वैसे तो ये पेंटिंग राजस्थानी है, राजस्थान का है ये, इसको पिचवाई काउ कहते हैं। दिखने में बहुत सुंदर लगता है इसका, तो मैंने इसको साइड वॉल हैंग के लिए इसको तैयार किया है। आप इसके साइड साइड में इसको ऐसे आउटलाइन दे सकते हैं, इससे आपको जो साइड के थोड़े बहुत जो उभर के आएगा सामने वाला इसका। हाँ, इसका अगर पेस्ट तो कोशिश करिएगा इसका पेस्ट बनाने के लिए पीओपी या तो मार्बल पाउडर में फेविकोल मिक्स करिए। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा ताकि और अच्छा लगे। अगर आपको पिछवाई कहो के स्केचिंग नहीं आती है तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो आपको एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको ना ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि
फिर ड्रेसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे पास पिक्स अवेलेबल नहीं होती है चाहे कुछ भी ऐसा होता है। तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शुरू से मैंने अच्छे से दिखा दिया है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ अच्छे से वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अन्य और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस में आपको अच्छा लग रहा है ना। अब हम आगे इसको लगाते हैं टांगने के लिए। अब हम ये रस्सी लेंगे जूट की, जो इसको ऐसे लटकाएंगे हम, और ये कुछ लकड़ी के बीट्स हैं। और यहाँ पे जो होल है उसमें हमें रस्सी डालनी है, यहाँ से डालेंगे और इस सेट निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डालना। देखिए ये हमारा फाइनली बन के तैयार है।